जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों कलरवर्क्स का बेटा वर्जन मुझे 17 नवंबर को मिला था और स्टेबल वर्जन मुझे 29 तारीख को मिला था। 29 तारीख से अभी तक मैं कलरवर्क्स का स्टेबल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस के भी बारे में पता चला है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर को ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के थोड़ा सा धार्मिक हो जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ बैटरी ड्रेनिंग इशूज से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे भाई है रोशन जांगरा, उन्होंने पूछा है कि बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ वीडियो बनाइए और बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हो चुका है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो दोस्तों मैं बैटरी के बारे में आपको बता दूँ कि बैटरी का जो इशू है वो कलर ओएस का ही इशू है, कलर ओएस 5.2 का। तो दोस्तों रियलमी के जो भी डिवाइस है, जैसे रियलमी 1 हम पहले यूज़ कर रहे थे, रियलमी C1 और दोस्तों उससे भी उसके बाद जो आया था रियलमी 2, तो दोस्तों इन तीनों मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस Realme 2 Pro में प्रॉब्लम थी। जब भी हम देखते थे तो प्रॉब्लम Realme 2 Pro में आती थी और दोस्तों अभी हमें लेटेस्ट वर्जन मिल चुका है ColorOS 5.2। तो दोस्तों प्रॉब्लम में हम भी शामिल हो गए, Realme वाले, Realme 1 वाले और Realme 2 Pro वाले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपनी ये मान ही नहीं रही है कि प्रॉब्लम इनके OS में है, और आपको मैं बता दूं मेरे अकॉर्डिंग जितना भी मैंने एनालाइज किया है, मुझे प्रॉब्लम इनके ColorOS 5.2 में नज़र आ रही है, ना कि ColorOS 5.0 में। ColorOS का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ColorOS 5.2 का प्रॉब्लम है बैटरी ड्रेनिंग से रिलेटेड और कैमरा से। तो दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग को आप एक्चुअल में कम उतना नहीं कर सकते, लेकिन स्टेबल उससे कम पावर एज्यूम हो जाए, ऐसा कुछ आपको सिचुएशन को मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे ये चलिए बता देता हूं कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू आ रहा है उससे रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेवलपर मोड का ऑप्शन दिख जाएगा, डेवलपर ऑप्शन का। आप वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में चले जाइए। जिन लोगों को पता नहीं है डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, वो अबाउट में वर्जन में 7 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको जो रनिंग सर्विस दिख जाएगा, अब दोस्तों रनिंग सर्विस में आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिस्टम में जितने भी ऐप्स रनिंग है बैकग्राउंड में, आगे पीछे जो भी आपको ऐप्स दिख रही है, जो भी आपकी ऐप्स है सिस्टम रनिंग या दूसरी अदर ऐप्स, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसा कि अभी 5.2 अपडेट के बाद आपको जो मल्टीटास्किंग करते थे पहले 5.0 में, तो आपको रैम शो होती थी, वैसे नहीं शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से आपको रैम शो हो जाएगी अवेलेबल कितनी है। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली किसी ऐप्स पे क्लिक करके उसे स्टॉप कर सकते हैं, फोर्सली स्टॉप आप यहां से देख सकते हैं, प्रोसेस देख सकते हैं, सभी कुछ यहां से आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां से जो है आपको मैन्युअली स्टॉप करना पड़ेगा। सपोज़ मैं अगर यहां पे ट्यूब बडी ऐप्स हैं, ये अगर मेरी 93 MB खा रही है, तो अगर इसका मेरे को यूज़ नहीं है तो यहां से मैं इसे स्टॉप कर सकता हूं। तो यहां से भी दोस्तों आप अपनी जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही है, जो बैटरी ड्रेन कर रही है, उसे यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से मैन्युअली करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप दूसरी भी प्रोसेस देख सकते हैं जो कि ColorOS 5.2 में अभी नहीं दिख रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप बैक आ जाइए, बैक आने के बाद आपको नीचे की तरफ 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पे विंडोज़ एनिमेशन, ट्रांजेक्शन एनिमेशन और एनिमेटेड ड्यूरेशन। ये दोस्तों तीनों भी जो एनिमेशन है दोस्तों, आप इसे ऑफ कर सकते हैं, इसका मोबाइल में कोई यूज़ नहीं रहता है, एक छोटा सा एनिमेशन रहता है। यहाँ पे आप इसे अगर इसका स्केल आपको बढ़ा के दिखा दूँ और मैं किसी ऐप्स को ओपन कर रहा हूँ या फिर किसी सेटिंग को ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने धीरे से ये ओपन हुआ है। तो ये एक एनिमेशन है दोस्तों, ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत सारी बैटरी ड्रेन करता है। सपोज़ मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर अभी क्लिक करूँगा तो ये कोई एनिमेशन के थ्रू क्लिक नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक फटाक से खुल जाएगा। तो दोस्तों आप ये तीनों को भी ऑफ कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी बैटरी बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिन में हम कई बार यहाँ पे क्लिक कर करके अपनी बहुत सारी बैटरी ड्रेन करते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे नीचे में आपको एक और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक किया हुआ है। अगर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस, कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चाहिए, तो आप उसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस में सिलेक्ट करके भी अपनी बैटरी ड्रेनिंग को बचा सकते हैं। पर दोस्तों इसका यूज़ आप बहुत कम ही करें, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन की हमें बैकग्राउंड ड्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है।
इसके बाद दोस्तों आप ऐप मैनेजमेंट में चले जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐप्स दिखाई दे जाएगी। सपोज़ जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक में क्लिक करता हूँ, तो फेसबुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पावर सेवर मोड दिखाई देगा, हर ऐप आपको पावर सेवर मोड दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपका ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन में हर ऐप्स के लिए पर्टिकुलरली बैटरी ड्रेनिंग को बचाने के लिए यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इंटेलिजेंटली रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड रनिंग वाला। ये फीचर दोस्तों एआई इंटेलिजेंस की मदद से बैकग्राउंड में जो ऐप्स रहती है उसे फ्रीज करता है और बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू है उसे कम करता है और बैटरी को सेविंग करके रख देता है दोस्तों। और दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग कम करने के लिए आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क थीम का यूज़ करिए, जैसा कि यूट्यूब भी आजकल नाइट मोड में आने लगा है और आपको व्हाट्सएप भी जल्दी से जल्दी नाइट मोड में देखने को मिल जाएगा डार्क थीम के साथ। और कलर ओएस 5.0 में भी आपको डार्क थीम यहाँ पर देखने को मिलती थी, जबकि कलर ओएस 5.2 में आपको लाइट थीम देखने को मिलती है, इसलिए बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा करता है। प्रीतम मराठे ने पूछा है कि हाउ टू रूट Realme 1। दोस्तों Realme 1 की डिवाइस है, अभी आप उसे रूट नहीं कर सकते जब तक कंपनी बूट लोडर आपको इनेबल नहीं करा देती। दोस्तों बूट लोडर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हैं आई बटन में जाके इस वीडियो की डिटेलिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के CEO माधव सेठ ने बोला था कि सबसे पहले जो बूट लोडर आएगा, बूट लोडर वो अनलॉक करेंगे, वो Realme 2 Pro में करेंगे दिसंबर एंड तक। तो दोस्तों दिसंबर एंड तक Realme 2 Pro में सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद Realme 1 में और उसके अदर डिवाइस में हमको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बूट लोडर के अनलॉक होते ही आप अपने फ़ोन चेंज कर सकते हैं, कस्टम UI चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे अदर चेंजेस कर सकते हैं, अदर OS ला सकते हैं आप इसमें और आप गूगल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम आती है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी ColorOS 5.0 से रिलेटेड बैटरी के बाद। बैटरी के मैं बोल सकता हूँ कि पहले भी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों कैमरा। दोस्तों क्योंकि Realme 1 का जो हाईलाइट था वो उसका फ्रंट कैमरा था, उसका AI मोड। दोस्तों यहाँ पे विकास माहुले ने मुझे पूछा है, मेरे फ्रेंड ने, कि Realme 1 के फ्रंट कैमरे में विविड मोड और BI ब्यूटी मोड दोनों एक साथ वर्क नहीं कर रहे। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। कैमरे से रिलेटेड भी एक वीडियो बना के बताया था कि कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये जो AI और ब्यूटिफिकेशन मोड जो एक साथ AI और सुपर विविड मोड जो एक साथ नहीं वर्क कर रहे, वो केवल 3GB 32GB वेरियंट में ही है और ये प्रॉब्लम आगे अपडेट के बाद सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कंपनी का बोलना है। क्योंकि दोस्तों Realme की सबसे ज़्यादा जो डिवाइस बिकी थी वो 32GB वाली ही वेरिएंट में बिकी थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5.0 में आपको दे रहे हैं और 5.2 में Realme 3GB 32GB को अलग क्यों कर रहे हैं, मतलब कि हमारी कैटेगरी डिवाइड हो गई है कि हम यह Realme यूज़ नहीं कर रहे। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे सवाल कस्टमर केयर से भी किए थे और दोस्तों उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि ये कंपनी इस बात को सीरियसली फॉरवर्ड कर चुकी है टेक्नीशियन टीम को और बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो हो सकता है दोस्तों दिसंबर एंड्स के पहले ही हमें इसका जो है अपडेट मिल जाए और ये कैमरा जो इम्प्रूवमेंट हो जाए, रेयर कैमरा भी और सुपर विविड मोड से रिलेटेड इशू भी। यहाँ पर मेरे दोस्त है रेवनाथ रेंगले, उन्होंने पूछा है कि कलर ओएस तो मैंने 5.2 डाउनलोड कर लिया है, क्या मैं इसे 5.0 में डाउनग्रेड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा बोलना ये है कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था और बताया भी था कि कस्टमर केयर में आप मेल कर सकते हैं service@realme.com में, बट मुझे पता है उन लोग कोई ध्यान देने वाले हैं नहीं है, क्योंकि इन्हें अभी कलर ओएस 5.2 पे ज़्यादा ध्यान देना है इसे इम्प्रूव करने के लिए। वैसे तो ये इम्प्रूव करके लाते नहीं है और लाते हैं तो फिर अपग्रेड के बाद अपग्रेड देते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है कलर ओएस 5.2 ही रखिए अपने मोबाइल में और इसे डाउनग्रेड ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपग्रेड अगर आएगा तो अपग्रेड आने के बाद अगर आप 5.0 में डाउनग्रेड करते हैं और आपको वो लेटेस्ट अपग्रेड लेना है 5.2 के बाद वाला, तो आपको पहले 5.2 में करना पड़ेगा कन्वर्ट और उसके बाद अपडेट आपको इशू होगा। दोस्तों मेरा बोलना यह है कि जब तक आकर आप डाउनग्रेड कर लेते हैं या फिर कस्टमर केयर आपकी जो प्रोसेस है उसे मान लेता है, लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस में टाइम लग जाएगा यार, तब तक तो क्या है कि Realme जो है दिसंबर एंड तक आपको अपग्रेड दे देगी और कैमरा से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग तो आप डाउनग्रेड ना कीजिए, आप अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड है तो वैसे ही रहने दीजिए, थोड़े दिन प्रॉब्लम फेस कर लीजिए दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट अपडेट OTA अपडेट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं आर्य कुमारी, उन्हें पूछा है कि क्या Realme 2 में भी अपडेट के बाद सेम ऐसा इशू आएगा। तो मैं आपको बता दूँ,
कि अपग्रेड के बाद रियलमी 2 में ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी जो है अभी बग्स फाइंड कर रही है। हालांकि उसे बग्स फाइंड करने में टाइम लग रहा है और वो अपडेट के बाद अपडेट जारी कर रही है, पर एक स्टेबल वर्जन आने के बाद रियलमी 1 की जो प्रॉब्लम है 5.2 कलर ओएस से रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड, बैटरी ड्रेनिंग से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम होने के बाद एक स्टेबल वर्जन रिलीज कर देगी रियलमी 2 के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रियलमी 2 में ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है अपडेट के बाद। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है जगजीत, उन्होंने पूछा है कि कलर ओएस 6.0 आपको रियलमी में देखने को मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कलर ओएस 6.0 के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कलर ओएस 6.0 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जगजीत जी मैं आपको बता दूं कि कलर ओएस 6.0 जो है वो एंड्रॉयड पाई बेस्ड ओएस है, और जो रियलमी 1 की अगर मैं बात करूं तो रियलमी 1 में जो पाई अपडेट आएगा वो आएगा जुलाई के बाद में। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा पाई अपडेट और उसके बाद आपको मे भी मिल सकता है कलर ओएस 6.0। क्योंकि मे भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो रियलमी है उसके डिवाइस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फ़ोन बना रही है, लेकिन प्रॉब्लम उनके ओएस में आ रहा है, कलर ओएस में। तो दोस्तों वो क्या कर रही है कंपनी, अभी दूसरा एक ओएस अपना बना रही है क्यूरियस ओएस के नाम से, शायद वो मे भी मार्केट में आ जाए, लेकिन अभी उसको उसके बारे में कुछ खबर नहीं है कि वो कब तक मार्केट में आता है। तो मे भी अगर वो उसे बनाने में टाइम लग जाए या फिर उसे रिलीज़ करने में टाइम लग जाए तो आपको सबसे पहले पाई अपडेट मिलेगा, उसके बाद मे भी कलर ओएस 6.0 भी आपको देखने को मिल सकता है रियलमी 1 में या अदर डिवाइसेज में। यहाँ पे मेरे भाई अभिजीत ने पूछा है कि रियलमी 2 में कलर ओएस 5.2 अपडेट कब आएगा। तो रियलमी 2 में कलर ओएस 5.2 अपडेट आप जान सकते हैं कि रियलमी ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि रियलमी 2 में जो कलर ओएस अपडेट आएगा वो दिसंबर लास्ट एंड तक आएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दिसंबर एंड तक आ भी सकता है या जनवरी फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी इन्हें बहुत सारे बग्स इसमें मिल गए हैं, वो एक स्टेबल वर्जन तैयार करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद ही कलर ओएस 5.2 रियलमी 2 और C1 के लिए लॉन्च कर देंगे, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम और आगे ना फेस हो इसलिए। यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने मुझे थीम से रिलेटेड इशू भी बताया था कि कलर ओएस 5.2 अपडेट के बाद जो ऑफिशियली थीम है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, और 5.0 में बहुत सारी थीम्स ऑफिशियली थीम्स अवेलेबल थी। तो दोस्तों थीम से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप कोई भी मोबाइल की थीम, चाहे वो नोकिया हो या फिर ओप्पो हो, वीवो हो, उसकी थीम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कलर ओएस 5.2 में रियलमी में। तो दोस्तों अगर से आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और आप कोई भी मोबाइल की ऑफिशियली थीम रियलमी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई बालू माहूकर ने पूछा है कि फॉन्ट स्टाइल रियलमी में कैसे बदले। तो मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट स्टाइल रियलमी में बदलने के लिए अभी कोई प्रॉपर तरीका है नहीं, यहाँ पे रियलमी में फॉन्ट चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो कुछ कुछ तरीके एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि फॉन्ट कैसे चेंज करें, बट आप उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए, फॉन्ट कुछ चेंज होते नहीं है, सिर्फ सामने का जो बैकग्राउंड है उसमें से फॉन्ट चेंज होते हैं। हम टाइप वाले फॉन्ट, स्टाइल वाले फॉन्ट वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो विदाउट रूडिंग रियलमी में अभी तक फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का कोई तरीका नहीं आया, फिर भी मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च कर रहा हूँ। अगर से मुझे विदाउट रूट किए कोई फॉन्ट बदलने का तरीका मिल जाता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो भी बना के लेके आऊँगा। तो ये थी रियलमी 1 के 5.2 कलर ओएस अपडेटेड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज, कुछ आपके क्वेश्चन के आंसर। अगर दोस्तों आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और भी कुछ क्वेरीज आपके माइंड में चल रही है रियलमी 1 से रिलेटेड, कलर ओएस 5.2 से रिलेटेड, या फिर पाई अपडेट से रिलेटेड, या फिर रियलमी के अदर डिवाइसेज से रिलेटेड, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं यार, अगर आपने अपडेट कर लिया है तो डाउनग्रेड का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। आपको स्टेबल वर्जन मिल चुका है अपडेट, अब थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा OTA अपडेट के जरिए। आपके बैटरी ड्रेनिंग से इशू है और जो कैमरे से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रियलमी अभी बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उनका जो फ़ोन है ये रियलमी U1 वो लॉन्च हो चुका है, उनके दिमाग से वो हट गया है। अभी जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन आ गया है वो रियलमी 1 पे आ गया, कलर ओएस 5.2 पे आ गया है, अभी ये ध्यान देंगे, अभी उस बात को भूल गए हैं, लॉन्चिंग सब हो चुकी है। तो आप अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आपको जो है दिसंबर से पहले ही ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ डाउनग्रेड ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो
दोस्तों फिर से मैं एक बार और बोल रहा हूँ, अगर से आपकी कोई क्वारीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों रियलमी से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड और भी बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जाएंगे दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।